भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल पिठोरी अमावस्या 14 सितंबर को है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन मां दुर्गा की भी पूजा का प्रावधान है। पिठोरी अमावस्या के दिन महिलाएं मां दुर्गा की उपासना करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इस दिन घर में बिल्कुल भी कचरा ना रखें। इस दिन घर में पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। घर के हर एक कोने में बल्ब या दिया अवश्य जलाएं। किसी कोने में अंधेरा ना होने दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। पिठोरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान करना चाहिए। इस दिन यदि आप तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के नाम से वस्त्र, धन और अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि की बुरी दृष्टि है तो इससे बचने के लिए अमावस्या के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। जिन लोगों को शत्रु भय सता रहा है वो पिठोरी अमावस्या के दिन भगवान की पूजा के बाद तेल में चुपड़ी रोटी किसी कुत्ते को खिलाएं। यदि कुत्ता ना मिले तो आप कौवे को भी रोटी खिला सकते हैं। इस उपाय से लाभ अवश्य होता है। यदि आप लंबे समय से मनचाही नौकरी की तलाश में हैं तो पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह के समय एक नींबू लें और इसे किसी मंदिर में रख कर आ जाएं। अब इस नींबू को शाम के समय वापस उठा कर लाएं और अपने सिर से पैर तक बार 7 बार घुमाकर इसके 4 टुकड़े करें और चौराहे पर जाकर चारों दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से जल्द ही नौकरी प्राप्त हो जाएगी।